तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आज हम शुरुआत किसानों से करेंगे, फिर आपको जाते जाते योग भी सिखाएंगे। आप सीख ही सकते हैं क्योंकि इतने नजदीक नजदीक बैठे हो, करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्राणायाम तो करवाएंगे। हमारे ये जो सैयद पाशा भाई पटेल ने बहुत जोरदार पाशा फेंकता है, अब ये कितना करेगा वो इसको पूछ लो। अब ये क्योंकि अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऊपर मोदी जी की सरकार है, अब सारी नीतियां जैसी चाहो वैसे बनवाओ। अब ये कृषि की एक नीति तो ये होनी ही चाहिए कि बाहर के देशों से हम लोग 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ये एडिबल ऑयल, पाम ऑयल जो सबसे घटिया ऑयल, कनोला जो सरसों का तो तेल के उसका बराबर में भी नहीं मिलता, पासिंग में भी नहीं मिलता, फिर सनफ्लावर, फिर सोयाबीन भी करीब 80% बाहर से आता है। तो अभी मोदी जी की और फडणवीस की सरकार से इन सब पर बाहर से खरीदने का बैन लगवाओ, उसके लिए आंदोलन करो, मैं आपके साथ ही साथ। एक तो ये नीति की बात है, नीतियां बहुत उल्टी पुल्टी चलती है। अब जहां तक नियत की बात है, देखो भाई हम आपसे बोलते हैं, अभी हमने ऑयल का भी काम शुरू कर दिया। हम लोग सरसों का तेल तो पूरे देश में नंबर वन ब्रांड सरसों का तेल का 3 साल में पतंजलि ने बनाया, और इधर तो सरसों होता नहीं है, उधर राजस्थान हरियाणा और कुछ अलग अलग एरियो में होता है, उधर अच्छा भाव हम देते, बढ़िया कंपटीशन देते। अभी हमने सोयाबीन भी शुरू कर दिया, सनफ्लावर भी शुरू कर दिया, तिल का तेल भी शुरू कर दिया, तो इस बारे में इधर भी और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर जल्दी विचार करेंगे। लेकिन मैं जो 5-7 काम हम तुरंत कर सकते हैं वो हम बोलते हैं। भारत में गाय का घी भैंस के घी से कम पैसे में बिकता, कोई खरीदता नहीं था उसको, और उसमें कैरोटीन जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, और आयुष्य बढ़ता है, जो पीला रंग होता है उसमें पीलापन, वो कैरोटीन को निकाल के और भैंस का घी करके बेचते थे। हमने भैंस के घी से 100 रुपए ज्यादा करके गाय का घी बेचा, अब भैंस का घी नहीं गाय का घी देश में बिकता है, ये हमने करके दिखा। तो गाय का घी को हमने वैल्यू दिया, और अभी पूरे देश में सबसे प्रीमियम कोई घी बिकता है, प्योर कोई घी बिकता है तो पतंजलि गाय का देसी घी बिकता है। ये पूरे देश के गाय का घी का ब्रांड हमने एस्टेब्लिश कर दिया। अब तुम्हारा जो जो देसी गाय है, सब गाय का यहाँ बहुत गाय मैंने देखा, रास्ते में भी हजारों गायें हमको मिला खेतों में चल रही, जितना भी आस पड़ोस में हम इसका एक कोई तरीका बनाएंगे। लगभग 8 से 10 रुपए लीटर हम आपका गोमूत्र खरीदेंगे, गाय का मूत्र,
8 से 10 रुपए लीटर उसका कलेक्शन का प्रक्रिया बना लेंगे, यहाँ उसका कोई यूनिट लगा देंगे जिसमें हम गोमूत्र का अर्क बनाते और गोनाइल बनाते हैं। फिनाइल का अच्छा विकल्प, फिनाइल से तो फर्श भी खराब होता है, हाथ भी खराब होता है और केमिकल का जहर होता है और कुछ नहीं होता है। गोनाइल फर्श को साफ करने के लिए, गोमूत्र का अर्क पेट को साफ करने के लिए, और जिनको भी मोटापा है, आधी आबादी दुनिया की मोटी है, उनको हम गोमूत्र पिला के 1 महीने में 8-10 किलो वेट कम कर देते हैं। तो आपके यहाँ पर हम गोनाइल और गोमूत्र के लिए ये तो काम बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे, जिससे कि ये जो गोपालक है उसको गाय का मूत्र का पैसा मिल जाएगा। अभी तो वेस्ट ही जाता है, उसको पूछता ही नहीं। अगली बात, जितना भी मैं उधर से वासिम से चला और करंजा तक पहुंचते पहुंचते मैंने देखा, 2-3 खेतों में हरियाली दिखाई दी, बाकी सब खेत एकदम सूखा पड़ा हुआ है। इस खेत में क्या लगाओगे? तो इस खेत में तुम 3 चीजें लगा सकते हो। जितना भी खेत में कहीं पानी होता ही नहीं है, होता तो वो थोड़ा होता है, बरसात में तो थोड़ा एक बार आता है, आप एलोवेरा लगा देंगे। 1 एकड़ जमीन से 80,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का 1 साल में एलोवेरा हो जाता है और वो हम खरीदेंगे आपका कोरफट। एलोवेरा कोरफट, कोरफट तो सब जानते हो, एक बार लगा दो वो तो 1-2 बार के पानी से हो जाता है और सूखे में ही तंदुरुस्त होता है, पानी होने पर उसकी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। तो यहाँ की सेहत के लिए अनुकूल है, यहाँ की जो मिट्टी में पानी तो होता नहीं तो उसको पानी चाहिए नहीं, एक बार जड़ को पानी मिल गया बस बाकी तो अपने आप मेंटेन कर लेता है। एलोवेरा को अभी हमने करीब 1,000 करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया। एलोवेरा का शैंपू, कोरफड़ का शैंपू, कोरफड़ का साबुन, कोरफड़ का जूस, कोरफड़ का जेल, ये हमने बाल धोने के लिए बनाया, ये देश में अभी टॉप शैंपू बन गया। केश कांति और दंत कांति भी हमने बना दिया, एलोवेरा का टूथपेस्ट भी बना दिया। और ये जो ये है ना, ये देश में 5,000 करोड़ रुपए का जहर बिकता था फेर एंड लवली का। सुन लो माताओं बहनों, आज तक एक माँ बहन बेटी कोई फेर एंड लवली लगा करके खूबसूरत गोरी नहीं, और गोरी होके क्या करना, जैसा है ऐसा रंग को ठीक रखो ना, भगवान ने जैसा बना रखा इधर बहुत अच्छा होता है। ये तो ऐसे ही फाड़ के लाया हुआ है तो भी अच्छा है, इसका एक एक पत्ता 1-1 किलो का 800 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो का हो जाता है ये कोरफड़ का। इसको फेर एंड लवली 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिकता है हिंदुस्तान में, अभी 500 करोड़ का तो हमने इसको कर दिया है, आगे इसको 5,000 करोड़ का करूंगा और 5,000 करोड़ किसानों को दूंगा। हमारा काम है अच्छी चीजों को प्रमोट करना। अरे केमिकल तो धरती के लिए भी बेकार है, आदमी के लिए भी बेकार है, वो चमड़ी पे लगाओगे उसको भी बेकार करेगा, बाद में वो स्नान करोगे तो पानी में जाएगा पानी को बेकार करेगा, वहाँ पानी से खेत में जाएगा खेत को बेकार करेगा, क्यों लगाते हो? एलोवेरा के फायदे क्या है? ये बिना केसर वाला है, केसर वाला है, केसर चंदन वाला है। इसको ऐसे फेस पे लगा देते हैं, कोई भी लगा लो, ऐसे थोड़ा सा हाथ में लिया, ऐसे ही इजीली आता है लगाने में, बहुत यूजर फ्रेंडली, ऐसे लिया ऐसे लगा, इसको ऐसे लगा के, अब जैसे इतनी भयंकर धूप हो रही है उसको ऐसे लगा के बैठो, सनबर्निंग नहीं होगा कुछ। और जैसे माँ की कोख से पैदा होते हैं ऐसे 100 साल तक आपके चेहरे का सौंदर्य बरकरार रखता है ये एलोवेरा जेल गारंटी के साथ। सब इसको लगाया करो अपने घर में, आप ये तो हम पूरा देश दुनिया में बेचते हैं, आप अपने घर में एलोवेरा लो, दोनों तरफ से चप्पू से काट दो और उसका ऐसे ही लगा दो, इतना अच्छा हो जाता है। 3 दिन के अंदर तो पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चेहरा भरा हुआ है पिंपल्स से, फुंसियों से, 7 दिन में खत्म हो जाता है।
इससे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, जो झाइयां आ जाती हैं, यहाँ काला काला हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। पूरा चेहरे पर 100% नेचुरल ग्लो शाइनिंग मॉइस्चराइजिंग। किसी की चमड़ी बहुत खराब होती है, किसी की खुरदरी होती है, रैसेज हो जाते हैं, इतने खाज खुजली हो जाते हैं, किसी को देखो कोई इधर खुजा रहा है, कोई इधर खुजा रहा है, कोई इधर खुजा रहा है, ये सब लगाओ खाज खुजली बंद। एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस, ये पीने से, एलोवेरा का जूस पीने से अर्थराइटिस खत्म हो जाता है, जोड़ों का दर्द। मैं तीन चीजें बोलता हूं, एलोवेरा, दूसरा आप लगाना आपको खेतों में, उसको गुड़वेल बोलते हैं मराठी में, गुड़वेल। अमृता बल्ली साउथ में बोलते हैं, तिपति का गिलोई गुजराती में उसको घड़ो बोलते हैं। ये फीवर के लिए, ताव के लिए, ज्वर के लिए रामबाण। प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम कफ नजला होगा ही नहीं आपको। ओबेसिटी मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए और कैंसर को भी गिलोय, गिलोय आप लोग लगाना। अभी हम जो नागपुर में प्लांट लगा रहे हैं, अक्टूबर से पहले चालू हो जाएगा। हम लोग डेली 800 टन संतरे का और 600 टन आंवला और एलोवेरा का जूस का प्लांट लगा रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट। जो बंजर जमीन है अपने खेतों में, उसके चारों तरफ या बीच बीच में 10-10 फीट का जगह, 10-20 फीट का जगह छोड़ दिया, जहां ट्रैक्टर या बैल चला सको, 10 फीट जगह छोड़ो, 10 फीट जगह छोड़ो, 10-10-20-20 फीट जगह छोड़ के उसके अंदर वो लगा दो आंवला। सब खेत, जितने भी खेत पड़े हुए, पूरा ये वाशिम जिला, इसमें जितना भी खेत है, हर खेत के अंदर 20-20 फीट छोड़ करके आंवला लगा दो। उसके अंदर जो भी आपको बरसात में जो खेती लेनी होती है, आप उसमें सोयाबीन बोलो, उसमें तुवर बोलो, उसमें चना बोलो, सब खेती बो सकते हो। 20 फीट एक लंबी लाइन लगा दी, फिर 20 फीट के बाद दूसरी लगा दो, 20-30 फीट के बाद आंवला बो। आंवला एक ही बरसात में हो जाएगा, थोड़े पानी से हो जाता है, बीच में जरूरत पड़े तो टैंकर से पानी दे दो थोड़ा बहुत। हमको डेली 800 टन को आंवला चाहिए और 800 टन हमको संतरा चाहिए। तो अब जितना भी इधर आंवला लगाओ, पूरा का पूरा अच्छी कीमत पर पतंजलि लिख करके स्टैंप पेपर आपको रेट लिख करके देगा, उसी रेट में खरीदेगा। अभी तो 8-10 रुपए से लेकर के 15 रुपए किलो तक आंवला हम खरीदते हैं, हमको क्या दिक्कत, हम खरीदेंगे। आंवला सेहत के लिए सबसे बढ़िया चीज है। आंवला, कोरफड़, गिलोय, ये तो तुरंत हम ले लेंगे। और इसके अलावा कुछ औषधियां जो इधर हो सकती है, गोमूत्र का मैंने बोला, उसको हम कर लेंगे। दरअसल कुछ चीजों के बारे में लोगों को अभी पता ही नहीं है कि ये भी खेती का तरीका हो सकता है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है टमाटर के ऊपर भी। आज हम रास्ते से आ रहे थे तो एक हरियाली दिखी खेत में, तो रुक गए। उधर वो किसान टमाटर बोले, बाबा जी 3 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, और बाजार में अभी ये बात हो, कितने रुपए खरीद के लाते हो टमाटर? 10 रुपए बाजार में मिल रहा है, किसान को 3 गुना वही से अभी कम मिल रहा है। और ये जो यूनिलीवर एक विदेशी कंपनी है, ये कॉलगेट, यूनिलीवर, लॉक्स, लाइफबॉय, फेरन, लवली, हेड एंड शोल्डर, ये सब क्लिनिक प्लस, ये सब विदेशी कंपनियों के ब्रांड है। हाँ, एक टमाटर की कैचअप बोलते हैं अंग्रेजी में, टमाटर की चटनी, कैचअप, टमाटो कैचअप अंग्रेजी में बोलते हैं। जो टमाटो कैचअप है ये 100 रुपए का एक लीटर आता है, 100 रुपए का एक लीटर, और किसान का टमाटर 3 रुपए। वो किसान वो हिंदुस्तान का नहीं है ब्रांड, वो सारा पैसा विदेश में जाता है, ब्रिटेन में जाता है, 3 रुपए के। तो हम लोग आगे ये भी कोशिश करेंगे। हमने पतंजलि टमाटो केचप ऐसे तो उनसे 30-40 रुपए सस्ता निकाला एक लीटर में, उनसे विदेशी कंपनियों से 40 रुपए। जल्दी ही किसान को बचाएंगे और इस विदेशी किसान को हिंदुस्तान से भगाएंगे, उसका भी कोई प्रोजेक्ट इधर लगा देंगे टमाटो केचप का। ऐसा हमारा आपके लिए जो भी हम कर सकते हैं,
वो तो कर तो कर, एक दो काम आप भी करो। अभी मेरे को बोला गाय के लिए, गाय की सेवा करके हम बड़े हुए और हमारे जीवन में जो भी पवित्रता है, जो भी सच्चाई है, सात्विकता है, जो भी ईमानदारी है, देशभक्ति है, वो गो माता की सेवा करके आई है। इसलिए हम गाय का भक्ति ही नहीं है, हमने अपने हाथों से गाय की सेवा की। 20-20 गायों का दूध निकाला, 20-20 गायों का गोबर मैंने अपने हाथों से उठाया। इसलिए हम जन्म से किसान हैं, अभी कर्म से हम सन्यासी हो गए। गाय 3 पीढ़ी में पूरा नस्ल सुधार हो जाता है। एक तो क्या हुआ, बीच में तो ये होस्टन फ्यूजन नस्ल की गाय आई, वो दूध थोड़ा ज्यादा तो दिया लेकिन बीमार बहुत होती है, फिर धीरे धीरे उसका भी दूध कम हो जाता है, फिर वो गाय किसी काम की नहीं रहती, पूरा नस्ल बेकार हो जाता है। अभी जो देसी नस्ल की गाय बची है तो हम अभी कोशिश करेंगे इसके ऊपर जल्दी कुछ गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, हम अपने लेवल पर भी उसके काम करेंगे। जो हमारी देसी नस्ल की गाय है, अभी हमारे आश्रम में भी 20-25-30 किलो दूध देने वाली 1000 गाय हम लोग रखते हैं, उसका हमने नस्ल सुधार की। और हम गो से लेकर के गो के खान पान से लेके दुग्धामृत पशु आहार भी हम लोग पूरे देश में उपलब्ध कराते हैं। बाकी जो बाजार में पशु आहार मिलता है उसमें 2-4% यूरिया होता है, थोड़े दिन गाय भैंस को खिलाओ तो बाद में वो नए दूध ही नहीं होती, इतनी बेकार हो जाती है। तो गोपालकों के लिए हमने दुग्धामृत और जितना भी पशुओं के लिए कैल्शियम वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गाय का, अच्छे नंदी का यदि यहाँ पर उसका बैंक बन जाएगा, और उसमें भी आजकल क्या हो गया है, ब्रीड सिलेक्शन में वो बछड़ी पैदा हो गई, तो उसका एक बहुत जल्दी नस्ल सुधार के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिससे कि आपकी जो गाय 2-3 किलो दूध दे रही है कम से कम वो 10-15-20 किलो दूध देने लग जाए। इस तरह का एक पूरा का पूरा एक कार्यक्रम यहाँ शुरू करेंगे किसानों के लिए। तो उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ व्यवस्था हमारे पाटनी जी बैठे हैं और हमारे जो है दादाजी बैठे हैं, तो दादा भाव जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, और इसलिए बुलाया उनको कि इधर कुछ करना है किसानों के लिए। और राजेंद्र पाटनी तो हमारा, जैसे मैं आया हूँ तब से लगा हुआ ही है कि बाबा जी हमारे, ये सच में ये जो एरिया मैंने देखा यहाँ तो राजस्थान से भी बुरी हालत है। मैं तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सब पूरा बीकानेर सब घूमा हुआ, सब मैंने कार्यक्रम के पूरा देश में 20 लाख किलोमीटर घुमा हूँ। तो आप इधर सदाभाऊ जी हमारे कुछ करेंगे, कुछ राजेंद्र पाटनी जी करेंगे, और बाकी पतंजलि की तरफ से जो भी करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। हम यहाँ जो भी आपके लिए करेंगे अच्छा से अच्छा, कि इसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, खाली एक दिन की सभा से बात नहीं बनेगी। उसके लिए कुछ आगे अपना पूरा हमारे संगठन के भी, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति, विशेष करके उसके लिए अभी ग्राम समिति हमने पूरे इधर सभी तहसीलों में, गांव-गांव में, बड़े बड़े गांव में, तो सब जगह बनाई है। आप लोगों के साथ हम निरंतर संपर्क में रहेंगे। और देखो भाई, हम तो कृषक पुत्र है, शेतकारी के घर में पैदा हुए हैं, और देखो मोदी जी को वोट चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को भी वोट चाहिए, इसलिए वो किसानों के लिए उनको योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसानों के बिना अब इस हिंदुस्तान में कोई सरकार बना नहीं सकता, ये बात पक्की है। क्योंकि किसानों का वोट नहीं मिलेगा तो बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, इसलिए ये बात मोदी जी को जरा जल्दी समझ में आ गई, तो इस बार किसानों के लिए कुछ बजट में विशेष प्रावधान किया है। अभी उन्होंने बोला 1.5 गुना मूल्य करेंगे, मैं तो कहता हूँ 1.5 गुना नहीं करो, 20% भी बढ़ा के दे दो तो किसान राजी हो जाते, लेकिन वो हो जाए। पटेल साहब ये हो जाए। और हम इतना बोलते हैं आपको,
कि जो हमने 5-7 बातें बोली है आंवला के लिए, एलोवेरा कोरफड़ के लिए, गिलोई के लिए, ये गिलोई तो कोई भी पेड़ पे हो जाती है, ये सब भी आप लोग लगाओगे तो मैं आपको एक बात यहाँ से कहता हूँ, सैकड़ों करोड़ रुपए आपके इस पूरे जिले वासिम जिले के और करंजादी तहसील के लोगों को पतंजलि के माध्यम से हम लोग सैकड़ों करोड़, ये एक्स्ट्रा इनकम होगी आपकी जो आप रेगुलर खेती कर रहे हो उसके अलावा। देखो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, जो वो परंपरागत खेती कर रहा है उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा, ये सुन लो आप लोग। खाली जो आप लोग पीछे से खेती कर रहे हो उतने से बात नहीं बनेगी, उसके अलावा कुछ करो। मैंने कहा एलोवेरा लगाओ ना, ये तो तुमको पता ही नहीं कि कोरफड़ का भी एक एकड़ से तुम 60-70 हजार 1 लाख रुपए का अच्छा खेती कर सकते हो, ये तो तुमको पता ही नहीं कि तुम उसके अंदर आंवला भी बो सकते हो, तो उसके अंदर गिलोई भी बो सकते हो, उसके अंदर और भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। हमने तो करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लान इस साल लगाना शुरू कर दिया, अगले साल तक एक्सपोर्ट करने वाला और पूरे भारत को सप्लाई करने वाला हम नागपुर में प्लांट लगा देंगे, ये देश का हरिद्वार के बाद सबसे बड़ा प्लांट होगा। तो उसमें आपके तो इधर नजदीक है तो आपको भी सहायता मिलेगी, तो बहुत सी चीजें हमको करनी है, उसमें आप लोगों के सहयोग से हमको करेंगे। आज अब आप थोड़ा सा योग की तरफ लेके चलते हैं, और उससे पहले एक सेंद्रीय खेती की बात करते हैं। हमारे पास 1,000 एकड़ जमीन है हरिद्वार, हम लोग यूरिया डीएपी का एक दाना नहीं डालते, कोई कीटनाशक नहीं डालते, हम लोग गोमूत्र, नीम के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा हींग, खट्टी छाछ, ये चीजें डाल के आप लोगों को यहाँ पर भी पूरा एक हम ट्रेनिंग देंगे नागपुर के अंदर, तो आप लोगों को भी उसका अच्छा अभ्यास हो जा सकता है। अलग अलग लोग यहाँ शेतकारी हैं जो सेंद्रीय खेती करते हैं, हम सेंद्रीय खेती करते हैं, लेकिन हमारी सेंद्रीय खेती में हम लोग 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख और 5 लाख रुपए का 1 एकड़ में आमदनी करते हैं सेंद्रीय खेती, उसका जो अनुभव है ना, यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग अभ्यास करते हैं। फिर उसमें गोबर, गोबर से बढ़िया तो देखो 1 इंच जमीन में 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, 1 इंच जमीन में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं बोलो, 3 करोड़ 3 कोटि, 3 कोटि 3 करोड़ सूक्ष्म जीव 1 इंच मिट्टी में होते हैं। जैसे जैसे हम धरती में यूरिया डीएपी और केमिकल ऊपर से ये मॉन्सेंटो और तमाम दूसरी जो कंपनियां हैं इतना जहर का कारोबार करती है और सारा किसानों का खून चूसती है, हम लोग बहकावे में आ जाते हैं, ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो। दो बातें सुन लो, एक तो धरती माता के पेट में जहर डालेंगे तो पाप भी लगेगा और थोड़ी दिनों में धरती बंजर होगी, दूसरी बात जो खेत में डालेंगे वो चीज कहां आने वाली है, पेट में, जो खेत में डालेंगे कहां आएगी बोलो, पेट में, हरा चारा होगा तो गाय भैंस खाएगी दूध देगी वो पेट में आएगी, चारा गाय का दूध बन के घी बन के पेट में आएगा, बाकी शाक सब्जी फल अनाज जो खेत में डालेंगे वो सारा पेट में आएगा। खेत की कोई चीज खेत में रहती नहीं है, खेत की हर चीज पेट में, इसलिए खेत को भी क्षेत्र कहा जाता है, शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है। धरती हमारी माँ है, वेद का मंत्र माता भूमि ही पुत्र हो पृथ्वी, धरती हमारी माँ है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। कितना जोर से, तो बहुत जोर से जय बोलता है। धरती माता के पेट में जो डालेंगे वो अपने पेट में आएगा और वो पाप। आप चीजों को परंपरागत खेती को थोड़ा सा समझो, तो ये परंपरागत खेती का ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग नागपुर में तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर भी हमारे कुछ जो किसान कर रहे हैं वहां पर भी हम एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप डेवलप कर देंगे, जिससे कि आप सेंद्रीय खेती के द्वारा लगभग बिना मूल्य के, ज्यादा तो यूरिया डीएपी में बहुत पैसा खर्च होता है, बिना मूल्य के खेती कैसे करें,
बिना यूरिया डीएपी के, इसको लोग ऐसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते जीरो बजट खेती, जीरो बजट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उससे कम लागत में ज्यादा उपज कैसे करना। और मुझे लगता है काफी एरिया तो ऐसा होगा जहाँ पर अभी सेंद्रीय खेती करते हैं लोग, उसको भी हम एक आगे बाजार उपलब्ध कराएंगे, हमने सोचा है। विदेशों में तो अभी करीब 25-50% लोग सेंद्रीय खेती पर आ गए, वो अच्छा खाना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, ये सब बीमारियों का जड़ ये यूरिया डीएपी वाली केमिकल वाली खेती है। तो इससे भी बचाने के लिए आपको उपाय